हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए नई नई खबरों के साथ। दोस्तों, आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल का मुख्य समाचार है जो आनंद किशोर ने एक विद्यार्थियों के लिए फिर से एक दिया है बहुत बड़ी खुशखबरी का मौका। अब सभी को मिलेंगे 10,000 रुपये का इनाम और सभी इस पर अलग की वीडियो हम बना चुके हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे मतलब आपको जरूरी जानकारियां मैं देने वाला हूं जो मैट्रिक और इंटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी फेल हुए हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसमें बहुत सारे न्यूज ऐसे मिलेंगे जो अभी आप तक नहीं सुने होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और नए किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिलती रहे। चूँकि मैं प्रतिदिन आपके नए लेटेस्ट न्यूज आपको इसी चैनल पर देते रहता हूँ, इसलिए मेरे दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं और बारी बारी से सभी खबर को देख लेते हैं कि क्या क्या आज क्या खबर आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि स्कूटनी के लिए 9 से 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि ऐसे विद्यार्थी जो फेल हो गए हैं या उन्हें लगता है कि कम नंबर आए हैं तो स्कूटनी के लिए 9 से 18 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी बाकायदा जल्द ही पूरी की जाएगी। उन्हें प्रति विषय में 70 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। कहने का मतलब दोस्तों, जितने भी विषय में आप चैलेंज करना चाहते हैं, अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बार हुए हैं कि जो लिखे थे, अगर 100 नंबर में कम से कम उनका उम्मीद था कि 95 नंबर आ सकता है, लेकिन उनका उम्मीद टूट गया है, 95 नंबर की जगह पर किसी का 45 आ गया है, और जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, जो बाहर रह के और केवल एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, उन दोस्तों का रिजल्ट शायद फर्स्ट डिवीजन भी आ गया है। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट का साथ ऐसा हुआ है। तो आप लोग को बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। अगर आप लिखे थे अच्छे खासे नंबर के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, अगर उतना आपके पास नहीं आया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्कूटनी के लिए आवेदन यहाँ पे कर लीजिएगा 9 से 18 अप्रैल तक। उसके में आपको मात्र जितने भी विषय में आपको डाउट हो, 70 रुपये प्रति विषय में आपको लगेगा, उस तरीके से आपका रिजल्ट अच्छा फिर से आ जाएगा। फिर जाएगा कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन 11 से 16 तक कर सकते हैं। दोस्तों, कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा मई में होगी, इसका रिजल्ट भी जून में जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए ऐसे परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं जो 1 या 2 विषय में फेल हैं। इसके अलावा विशेष परीक्षा में भी परीक्षार्थी भाग ले सकते हैं जो किसी कारणवश फॉर्म देने के बाद परीक्षा नहीं दे सके। कंपार्टमेंटल सब परीक्षार्थी के लिए आवेदन 11 से 16 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये भी बहुत खुशखबरी की बात है। मान लेते हैं आप कोई भी प्रॉब्लम की वजह से आप कोई भी विषय में फेल हो गए हैं तो कंपार्टमेंटल का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, उसमें भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों, आपको 1 या 2 विषय में अगर आपका क्रॉस लगा होगा, आप फेल होंगे, तो इस तरीके से कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि कुछ प्रॉब्लम के कारण एग्ज़ाम ना दे पाते हैं, अब्सेंटी डाला जाता है, जिनका वजह से उनका रिजल्ट नहीं आता है, तो भी इस कंपार्टमेंटल के एग्जाम में अपना एग्जाम देकर नंबर पा सकते हैं। उसके बाद में चलिए हम अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे रिजल्ट एक नज़र में यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, इस बार प्रथम श्रेणी में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 2,90,666 यानी 15.83%। उसके बाद में दिया गया है द्वितीय श्रेणी में यानी सेकेंड डिवीजन से 5,56,131 यानी आपका 42%। फिर यहाँ पे थर्ड डिवीजन यानी तृतीय श्रेणी में दिया गया 4,54,550 यानी आपका 34.43%। उसके बाद में असफल परीक्षार्थी यानी 3,14,813 विद्यार्थी फेल हो गए हैं इस बार की मैट्रिक परीक्षा में। उसके बाद में दिया गया अब इंटर में एडमिशन के लिए जल्द ही शुरू होगी प्रक्रिया। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट एक बार एग्जाम में पास हुए हैं, उन सभी के दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि अब इंटर में एडमिशन कब से शुरू हो जाएगा। तो देखिए, मैं बता देता हूँ कि इंटर IA, ISC और ICOM में ही कॉलेज में पढ़ने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट के सामने पटना के कई कॉलेज हैं। इनमें कई कॉलेज जल्द ही एडमिशन संबंधी तिथि जारी करेगा। दोस्तों, आपसे बतला दूं कि जैसे एडमिशन का डेट जारी किया जाएगा, वैसे ही मैं आपके पास एक वीडियो लाऊंगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने खर्च लगेंगे और कब आपका एडमिशन जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में दिया गया 11वीं और 12वीं तक के लिए मिलेगा छात्रवृत्ति। तो चलिए यहाँ पे बता देते हैं, मैट्रिक परीक्षा में टॉपर को 1,00,000 रुपये, यहाँ पे सेकेंड टॉपर को 75,000 और थर्ड टॉपर को 50,000 रुपये दिए जाएंगे और लैपटॉप एवं किंडल ई रीडर भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त चौथे और 10वें स्थान में प्राप्त वाले परीक्षार्थियों को 10,000 रुपये और लैपटॉप दिए जाएंगे। मैं आपको बता दिया हूँ कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन वालों को भी 10,000 मिलेगा और सेकंड डिवीजन वालों को भी 10,000 मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मेरा इतना नंबर है तो मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपका सेकेंड डिवीजन है, नंबर कितना है, तो आपको 8,000 मिलेगा, और आपका फर्स्ट डिवीजन है, नंबर कितना है, तो आपको 10,000 मिलेगा।
तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कि जिलावार रिजल्ट प्रतिशत में प्रत्येक जिला का यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। सबसे नंबर वन स्थान पे आता है नालंदा, पहले भी था, और यहाँ पे सबसे कम स्थान पे है कैमूर। तो दोस्तों ये था आज का न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।